जामिन हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए वॉइस ऑफ रोही बना इनकी आवाज़ रात को 11 बजे पहुँचा इनके पास। रोजाना मुसलसल बारिशों के सबब कोह सुलमान से आने वाले रोत कोही के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मौजा सफदराबाद की मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब मुतासरीन सैलाब से गुज़िश्ता 2 दिन से खुले आसमान के नीचे बेयारों मददगार, न खाना न पीना के लिए पानी मैसर। सैलाबी पानी से सैकड़ों घर सैलाबी पानी में डूब गए। सैलाब मुतासरीन को बरसती बारिश में अजियत का सामना। रोत कोही के सैलाब से मौजा ग्यामल चक सफदराबाद और पट्टी के इलाके मुतासर हुए। लोगों की हजारों एकड़ खड़ी कपास और दीकर की फसलें तबाह। किसी भी हकूमती और सरकारी नुमाइंदे मुतासरीन तक डांडा कोट नहीं पहुँचे। गुज़िश्ता शब 11 बजे वॉइस ऑफ रोही का नुमाइंदा डांडा कोट मुतासरीन तक पहुँचे तो मुतासरीन सैलाब इन सामने फट पड़े। मुतासरीन ने कहा कि हम 2 दिन से इंडस हाईवे डांडा कोट पड़े हैं। हमारे साथ मर्द ख्वातीन, बच्चे, बूढ़े और माल मवेशी हैं जो कि बड़ी मुश्किल से निकाल और बच्चों को बचा कर लाए हैं। ज़िलाई या तहसील इंतजामिया ताहर ना पहुँच सकी, हुकूमत वक्त से मदद की अपील है। जिस वक्त हम मौजूद हैं रोजान के नवा इलाका सफदराबाद में, जहां पर सैलाब मुतासरीन इस वक्त खुले आसमान में बेजार मददगार पड़े हैं और ये सैलाब रोत कोही की वजह से यहाँ पर सैकड़ों घर ज़ेरे आब आ गए और बहुत सा नुकसान का भी अंदेशा है। तो हमारे साथ इस वक्त खुले आसमान में पड़े ये लोग मौजूद हैं। हम इन सैलाब जदगान से पूछते हैं कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना है। कोई खान आया, ना कोई सरदार आया, हुकूमत आया, इधर अंदाज कोई नहीं पे करो। निके निके बाल सजे पदाते पीते, मेहरबानी करो इधर अंदाज करो। इधर निके निके बाल ने कच्चे मकान थे, फिर माल रुल गया, असम बर्बाद की गया। जी, जैसा कि सैलाब जदगान खातून फरमा रही थी कि इस वक्त हमें किसी ने भी अभी तक कोई ज़िला इंतजामिया या तहसील इंतजामिया की जानिब से कोई भी सरकारी नुमाइंदा या कोई सियासी नुमाइंदा अभी तक हमारा परेशान हाल ना हुआ और ना ही हमारी इन लोगों ने किसी किस्म की मदद की। जामिन हुसैन पखेर, वॉइस ऑफ रोही, रोजान।